तो हेलो भाई, सिंस यू आपसा मैडम मुकेश, मैं आया हूँ नए वीडियो के साथ में। तो भाई मैक्स प्रो M1 के अंदर हमारा जो कीबोर्ड है, जो Gboard है गूगल कीबोर्ड, तो उसके अंदर हमको जो आज स्टाइलिश करने वाले हैं और कुछ अलग अपने Gboard के अंदर कुछ अलग प्रकार की थीम्स को इंस्टॉल करेंगे। तो चलो यार, गूगल की तरफ से ही जो थीम आती है उनको हम इंस्टॉल करते हैं अपने मैक्स प्रो M1 के Gboard के अंदर। तो हमें जाना है सिंपली Gboard के अंदर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप Gboard यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थीम के ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पर डायरेक्ट बहुत सारी थीम्स नीचे दिख जाएंगी जो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलो मैं जल्दी से सारी की सारी थीम्स को डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि एक थीम नहीं है, बहुत सारी थीम है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थीम जो हैं बहुत सारी हैं भाई, काफ़ी प्रकार की, मतलब बहुत सारी थीम हैं। और उनको इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई भी कर लेते हैं और थोड़ी टेस्ट करते हैं कि जो हमारी थीम है वो किस तरीके से लग रही है। मतलब कि यार बहुत मस्त प्रकार का हमारा कीबोर्ड लगता है जब भी इस तरीके की थीम्स को हम इंस्टॉल करते हैं। तो यार मतलब कमाल का कीबोर्ड लग रहा है। और भी बहुत सारी थीम हैं, आप उनको इंस्टॉल करके देख सकते हैं गूगल के अंदर। तो यही आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस और भी फ्यूचर में देखने के लिए। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।